Hello, good morning students. Today we are here to discuss NCERT exercise of chapter number 16, Garbage In, Garbage Out. In the last video, we have taken a revision of this chapter so that you can reconnect your knowledge before the winter break. So, today we are here to discuss the NCERT exercise. What is your first question in NCERT? फर्स्ट का ए पार्ट आपका है बेटा, विच काइंड ऑफ गार्बेज इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय रेड बॉम्ब। क्या आपके हर टाइप का गार्बेज रेड बॉम्ब की हेल्प से कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है? तो हमने चैप्टर में भी ये चीज डिस्कस की थी, नो। ईच एंड एवरी टाइप का गार्बेज जो होता है वो आपका रेड बॉम्ब की हेल्प से कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। गार्बेज सब्सटेंसेस लाइक ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर, प्लास्टिक आइटम्स, पोलोथीन बैग्स, विच आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दीज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय द रेड बॉम्ब। हमने दो तरह के गार्बेज देखा था बेटा, एक बायोडिग्रेडेबल देखा था, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल देखा था। तो जो बायोडिग्रेडेबल था, वी कैन कंपोस्ट दैट विद द हेल्प ऑफ रेड बॉम्ब, वी कैन मेक मैन्योर्स फ्रॉम देम। बट इन केस ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल, हम जैसे कि आपके प्लास्टिक बैग होते हैं, एल्यूमिनियम की फॉइल होती है जिसमें आप अपना खाना पैक करते हैं, ब्रोकन ग्लासेज है, ये सब आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं एंड दीज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय रेड बॉम्ब। योर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हैव यू सीन एनी अदर ऑर्गेनिज्म बिसाइड्स रेड बॉम्ब इन योर पिट? क्या आपने अपने रेड बॉम्ब के पिट में रेडवर्म के अलावा कोई और टाइप का ऑर्गेनिज्म देखा है? अगर आपने देखा है, then find out the name and draw the pictures. तो बेटा हाँ, कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम सेप्रोथिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, लाइक व्हाइट एंड ब्लैक ग्रेइश कॉटन पैचेज होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो छोटे छोटे से होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। That help in decomposing biodegradable substance. ये जो आपके होते हैं, ये हमारे जो पिट होता है उसमें रेड बॉम्ब के साथ में प्रेजेंट होते हैं एंड दीज आर हेल्पफुल फॉर कंपोस्टिंग द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज इंटू ए मैन्योर और इंटू ए कंपोस्ट। अब हमें इनके डायग्राम्स देखने हैं बेटा, तो आप यहां से इसका डायग्राम देख सकते हो, जैसे कि बग्स हैं, बीटल्स हैं, स्पाइडर हैं, ग्रास ऑफर है, फंगाई है, ये सब भी हमारे पिट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये कुछ हमारे ऐसे जो अदर हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि पिट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके डायग्राम्स हैं जो कि आपके कंपोस्ट रेडवर्म के साथ में कंपोस्ट को बनाने के लिए हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू। इन दिस क्वेश्चन वी विल डिस्कस फर्स्ट पार्ट, इज गार्बेज डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ द गवर्नमेंट? क्या गार्बेज डिस्पोजल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वो गवर्नमेंट की है? आप लोग सोच के देखिए बेटा, हमारे सोसाइटी में भी क्या आती है, नगर निगम वाली गाड़ी आती है, हमें जगह जगह पे डस्ट के लिए बड़े बड़े से बिन बनाए होते हैं कि हमारा जो भी गार्बेज है हम पूरा उसी के अंदर थ्रो करें। तो गवर्नमेंट कितना करेगी? गवर्नमेंट के सफाई जो कर्मचारी हैं वो तो हमारे टाइम टू टाइम ही आएंगे, मॉर्निंग में हमारी गाड़ी आ जाती है जो हमारे घर से गार्बेज को कलेक्ट करते हुए निकलती है, लेकिन आफ्टर दैट इफ वी विल थ्रो द गार्बेज ऑन रोड, ऑन स्ट्रीट, ऑन एवरी एनी वेयर वेयर द डिकम्पोजिंग इज नॉट अलाउड, तो हमारी सोसाइटी में क्या होगा बेटा? गंदगी फैलेगी, हर जगह पे कचरा कचरा नजर आएगा, पॉल्यूशन होगा, हमारे लिए बीमारियां बढ़ेंगी। तो गार्बेज का जो डिस्पोजल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज नॉट जस्ट फॉर द गवर्नमेंट ओनली, अलोंग विद गवर्नमेंट एंड लोकल म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, हम सबकी भी ड्यूटी है बेटा, टू हेल्प इन गार्बेज डिस्पोजल। A clean environment is necessary to keep us healthy and to avoid spread of diseases. अगर हमारा garbage इधर उधर फैला रहेगा तो हमें disease बहुत सारी हो जाएंगी। तो इन चीजों को avoid करने के लिए हमें garbage को सही ढंग से dispose करना चाहिए। We should throw garbage at proper places such as dustbin so that सफाई कर्मचारी can collect the garbage easily. तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ
ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी पार्ट, इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज. क्या डिस्पोजल ऑफ गार्बेज की जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस की जा सकती है? हाँ की जा सकती है बेटा, अगर हम गार्बेज कम बनाएं, हम चीजों को रीयूज ज्यादा करें, हम वेस्ट मटेरियल्स के कंपोस्ट के फॉर्म में, मैन्योर की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले अपने लेवल के ऊपर ही, तो हमारा घर में ही, तो हमारा क्या होगा, गार्बेज कम बनेगा. इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इफ वी अडॉप्ट द फॉलोइंग मींस. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से आप गार्बेज की जो प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस कर सकते हैं डिस्पोजल के को. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, द गार्बेज शुड बी थ्रोन एट प्रॉपर प्लेसेज, इट शुड नॉट बी थ्रोन ऑन स्ट्रीट्स, रोड्स, पार्क्स एटसेट्रा. प्रॉपर जो उनके डिस्पोज करने का जो प्लेस है उसी के अंदर हमें गार्बेज को हमेशा थ्रो करना चाहिए. द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज्ड. हमारे पास दो तरह का गार्बेज होता है, एक जो रीयूजेबल होता है, एक जो रीयूजेबल नहीं होता है. तो हमें रीयूजेबल को और रीयूजेबल को सेपरेट करना चाहिए सो दैट की जो नॉन रीयूजेबल है उसके साथ में रीयूजेबल जाकर ज्यादा गार्बेज कलेक्ट ना करें, क्योंकि रीयूजेबल को तो हम वापस से यूज करके उसको दूसरी फॉर्म में यूज कर सकते हैं. दैट नॉन यूजफुल कॉम्पोनेंट शुड बी डिस्पोज ऑफ एट लैंडफिल एरिया, जो नॉन यूजफुल कॉम्पोनेंट है उसको ही केवल लैंडफिल एरिया के अंदर डिकम्पोज या डिस्पोज किया जाना चाहिए. अब थर्ड पार्ट आता है, एक 3R का कॉन्सेप्ट है बेटा. इन दिस 3R वी विल सी दैट रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज. अगर हमने ये 3R का कॉन्सेप्ट ऑप्ट कर लिया है तो उसके बाद हमारा जो गार्बेज के डिस्पोजल की प्रॉब्लम है वो काफी लिमिट तक रिड्यूस हो सकती है. तो रिड्यूस में क्या आता है बेटा, 3R मींस कि तीनों जो लेटर हैं, तीनों जो वर्ड हैं आपके, उनका फर्स्ट लेटर R से है. इट मींस रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज. तो रिड्यूस क्या है बेटा, यूज द थिंग्स इन मिनिमम अमाउंट विच इज नेसेसरी टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट. हमें उतना ही यूज करना चाहिए जितने से कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाए. नेक्स्ट है रिसाइकिल, द थिंग्स सच एज प्लास्टिक, पेपर, ग्लास एंड मेटल सेपरेटेड फ्रॉम द गार्बेज मे बी रिसाइकिल टू मेक न्यू थिंग्स इंस्टेड ऑफ डंपिंग देम अलोंग विद अदर वेस्ट. रिसाइकिल करना चाहिए जो हमारे मटीरियल गार्बेज में कुछ ऐसा भी होता है जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, तो उसको नॉन रिसाइकलेबल वाले के साथ में नहीं थ्रो करना चाहिए, अदरवाइज तो हमारा गार्बेज बढ़ता रहेगा. रिसाइकिल वाले को हमें रिसाइकिल करके यूज करना चाहिए. नेक्स्ट है हमारा रीयूज, इट मीन्स यूज ऑफ थिंग्स अगेन एंड अगेन. जितनी ज्यादा चीजों को आप यूज कर सकते हैं उतना यूज करें, उसके बाद जब आपको लगे कि दिस कैन नॉट बी यूज्ड एनी मोर देन यू हैव टू थ्रो इट. फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक बॉटल ऑफ जैम एंड पिकल कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स इन द किचन. हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेज होते हैं, बॉटल्स होती है, उन सबको हम अपने स्टोर किचन में जो भी चीजें स्टोर कर सकते हैं उनकी टर्म्स में हम यूज कर सकते हैं. तो इन सब मेथड्स को अगर हम थोड़ा थोड़ा भी ले लें तो हमारे गार्बेज की जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक हमारी रिड्यूस हो सकती है. नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू विद द लेफ्ट ओवर फूड एट होम. आपके घर पर जो फूड आपका बच जाता है आप उस फूड के साथ में क्या करेंगे, कहाँ उसको थ्रो करेंगे. हमें लेफ्ट ओवर फूड जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना चाहिए कि इफ दैट इज नॉट यूज्ड तो वी हैव टू गिव इट टू एनी नीडी पर्सन. लेकिन अगर वो आपका यूज हो गया है तो हमें उसको क्या करना चाहिए बेटा, जो हमारा किचन गार्डन होता है उसके अंदर हमारा उसको यूज कर सकते हैं. जो वेजिटेबल्स की पील है, पेपर है, उनको हम डीकम्पोज करके मैन्योर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाद में उसको हम हमारे जो किचन गार्डन है उसके प्लांट्स के अंदर एज ए मैन्योर यूज कर सकते हैं. सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का बेटा, इफ यू एंड योर फ्रेंड्स आर गिवन द चॉइस ऑफ ईटिंग इन अ प्लास्टिक प्लेट और अ बनाना लीफ प्लोटर एट अ पार्टी, विच वन वुड यू प्रिफर एंड व्हाई. आपको एक प्लास्टिक प्लेट है, एक बनाना की लीफ प्लोटर, दोनों के अंदर आपको खाना सर्व करके दिया जा रहा है, तो आप किसके अंदर खाना प्रेफर करेंगे. आप अपना ओपिनियन भी बेटा इसमें लिख सकते हैं. बाकी
हमें पता है कि प्लास्टिक जो प्लेट है उसको एक बार यूज कर लिया, दूसरा जो भी पर्सन है उसको यूज नहीं कर सकता, उसको हमें थ्रो करना ही पड़ेगा। और प्लास्टिक जब आपका डीकम्पोज होता है तो वो हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ले लेता है, लेकिन बनाना लीफ जो है वो नेचुरल है, वो आपका मैन्योर की टर्म में भी बायोडिग्रेडेबल है, वो मैन्योर की टर्म में भी कन्वर्ट हो जाएगा। उससे हमारा पोल्यूशन नहीं इंक्रीज होगा, गार्बेज नहीं इंक्रीज होगा, इसलिए रिसाइकिल भी उसको किया जा सकता है। उसको जलाने से हार्मफुल गैसेस भी ज्यादा नहीं बनेंगी, उसको जलाने की जरूरत ही नहीं होगी। प्लास्टिक को हमें डिकम्पोज करने के लिए जब बहुत ज्यादा हो जाए तो कई बार हम उसको जलाने के प्रोसेस भी देखते हैं, लेकिन उसकी वजह से हमारे एटमोसफियर में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाता है। सो हम लोग बनाना लीफ को यूज करेंगे क्योंकि वो इजी वे में कंपोस्ट करके मैन्योर की टर्म में उससे उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो टुडे बेटा वी हैव डिस्कस 3 क्वेश्चंस ऑफ योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चन। टुडे यू हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चन इन योर नोटबुक एंड गो थ्रू ऑल दीज क्वेश्चन। इफ देर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू।